नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटौरिया। सियासत के राम कभी कांग्रेस के हुए तो कभी भाजपा के। राम का बंटवारा इस कदर हो रहा है कि अब उन्हें आपराधिक संज्ञा दी जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि उनके राम शबरी के राम है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राम को विभक्त करना चाह रही है। उनके राम तो एक ही है। राम नाम का ये फायदा सियासी है या कुछ और? छत्तीसगढ़ में भगवान राम को लेकर सियासत जारी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा के राम और हमारे राम में अंतर है। उन्होंने कहा कि हमारे राम शबरी के राम है, निषाद के राम है, वनवासी के राम है, लेकिन भाजपा के राम मॉब लिंचिंग के राम है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों राम नाम की सियासत खूब हो रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में तेरे राम मेरे नाम की होड़ लगी हुई है। आखिरकार इस राम नाम की सियासत का जन्म हुआ है कांग्रेस के आयोजित किए जाने वाले कौशल्या के राम के आयोजन से। कांग्रेस गुरुवार से रायपुर में 3 दिनों तक कौशल्या के नाम पर आधारित राम लीला का मंचन करने जा रही है। जब से कांग्रेस ने इस आयोजन की रूपरेखा बनाई, तब से भाजपा कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसका जवाब दिया था, लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है और वो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। दरअसल रविंद्र चौबे ने शुक्रवार को हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान राम की परिभाषा ही बता दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के राम और हमारे राम में अंतर है। हमारे राम शबरी के राम है, निषाद के राम है, वनवासी के राम है, लेकिन भाजपा के राम मॉब लिंचिंग के राम है, चंदा बटोरने के राम है। देश की संस्कृति में रामलीला रची बसी है और इसलिए कांग्रेस रामलीला करवा रही है। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? और कल हमने विधानसभा में कहा है कांग्रेस के राम का मतलब है शबरी के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है निषाद राज के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है बनवासियों के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भारतीय जनता पार्टी के राम का मतलब क्या है? चंदा बटोरने के लिए राम की तस्वीर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इस तरह दिए गए विवादित बयान के बाद आखिर भाजपा कहाँ चुप रहने वाली थी? नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने चौबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि रविंद्र चौबे राम में भी विभक्त करना चाह रहे हैं। राम एक है और हम एक राम को जानते हैं। दशरथ पुत्र राम और रावण को मारने वाले राम को ही हम जानते हैं और पूछते हैं। अगर कांग्रेस के कई राम होंगे तो ये रविंद्र चौबे ही बताएंगे। कांग्रेस वोट के कारण समाज को बांटना, सत्ता के लिए देश को बांटना और आज जब पूरे देश भर में वोट खिसक गया है तब भगवान को भी बांटना चाह रही है। वोट के कारण समाज को बांटना, सत्ता के लिए देश को बांटना और आज जब वोट खिसक गए पूरे देश में तब भगवान को बांटना, ये कांग्रेस की नीति रही है और इस बात को ये खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मानने वाले हैं केवल भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, इनके कितने राम हो सकते हैं ये ही बताएंगे। राजनीति में राम के नाम का इस्तेमाल होना कोई नई बात नहीं है। सदियों से राम के नाम पर भारत में राजनीति होती आ रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राम के नाम का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है वो राजनीति की सोच को दर्शाता है। रायपुर से कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और आपको बता दें कि भगवान राम पर अभी कोई नई ये सियासत नहीं है। इससे पहले देश स्तर पर भी राम पर सियासत होती रही, लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ में जरूर महापुरुषों और भगवान के ऊपर सियासत बड़ा उफान पर है। कभी महापुरुषों पर सियासत हो रही है तो कभी भगवान पर। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। श्री सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नरेश गुप्ता जी जल्द ही जुड़ेंगे, भाजपा प्रवक्ता, और
शशांक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सबसे पहले मैं सवाल करूंगा सुरेंद्र जी से, सुरेंद्र जी क्या बात है, मतलब महापुरुषों को भी हाईजैक करने की कोशिश, अब भगवान को भी हाईजैक करने की कोशिश क्या है? क्या अब रामायण और जो ग्रंथ हैं वो भी कांग्रेस दूसरे लिखेगी, ये हमारा वाला है और ये बीजेपी का है? क्या अब बदलाव होगा क्या ग्रंथों में भी? कर दूं कि जिस प्रकार से माननीय रविन्द्र चौबे जी का 40 साल से ऊपर सार्वजनिक जीवन रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा उनके अध्यात्म को, उनके धर्म प्रेम को बहुत भलीभांति परिचित है। निश्चित रूप से जो उनके मन में जो उनने जो आज सवाल उठाया है, तो एक पीड़ा जो धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है विगत लंबे समय से, एक पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से भगवान के नाम का दुरुपयोग किया जाता रहा है राजनीति में, तो निश्चित रूप से उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा आज बाहर आई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ भांजे का पांव छुआ जाता है, जिस प्रकार से कौशल्या, माता कौशल्या की भूमि मानकर, उनका मायका मानकर, राम जी का ननिहाल मानकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में आज भी भांजे की पूजा होती है। हमारे यहाँ सो के जब उठते हैं तो अभिवादन के रूप में आज भी कहीं भी चले जाएं गांव देहात में तो जय राम जी की, जय सियाराम, इस प्रकार के अभिवादन शुरू से ही चलते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, राजस्थान में, राम अलग अलग जगहों में कहीं जैसा बन जी जी, अपन गुजरात में जाए तो जय श्री कृष्णा, मथुरा में जाए तो हर जगह का होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये प्रचलित रही है जी। तो उसमें मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो राजनीति में ध्रुवीकरण का लाभ लेने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जिस प्रकार से जय जय श्री राम का नारा लेकर इनके द्वारा उन्माद फैलाने के हिसाब से, मतलब ये आप देखिए दोनों में फर्क महसूस करेंगे हम, कि जय जय श्री राम कह के तलवार और भाला पकड़वाना, त्रिशूल पकड़वाना और एक माहौल बनाना उस प्रकार से, तो वो निश्चित रूप से हर जय श्री राम कहने वाला भाला पकड़ता है, हर जय श्री राम कहने वाला मॉब लिंचिंग वाला होता है, जय श्री राम कहने वाला ये अपराध करता है। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात पे बिल्कुल कायम हूँ। ये राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से माहौल खराब करने के लिए विगत कई लंबे समय से इस प्रकार भाजपा, जब से भाजपा का जन्म हुआ है, भावनाओं से बात करने, राम मंदिर का मुद्दा उससे पहले से भी उठा चला आ रहा है, 1800 से चला आ रहा है राम का मुद्दा, बीजेपी को नया नहीं है, लेकिन आपने आजकल राम की धुन राग अलापा है उसमें जाहिर सी बात है, और राम के प्रेम को जनता जानती है, स्टार्टिंग से जानती आई है, जब आपके भारतीय जनता सभा में हुआ करते थे, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दा उठाते रही है, तब वो चंदा ले लिया राम के नाम पे, तब मंदिर आज तक जी सुनिए तब आपका कांग्रेस को नकार, हमारे लिए आस्था का विषय है, 2013 में नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी धार्मिक आस्था, जब संविधान में बात आई थी तो कांग्रेस ने शपथ पत्र में कहा था राम का अस्तित्व नहीं है, कहा था या नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट? धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था की विषय वस्तु, जब आप ये कह रहे हैं कि राम का वजूद ही नहीं है, राम का अस्तित्व काल्पनिक है, राम अनुरूप, आज आप कह रहे हैं कि राम कौशल्या के हैं, हमारे राम ये वाले, हमारे राम वो वाले, बीजेपी के मॉब लिंचिंग वाले राम है, ये कैसे राम भैया मॉब लिंचिंग? जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विचारों को उनके द्वारा जो स्थापित सिद्धांत है, जो उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए, जो सामाजिक सौहार्द का जो मॉब लिंचिंग वाले कौन से राम होते हैं दिया, जो नीचे दबे कुचले लोगों, तो मॉब लिंचिंग वाले राम कौन से होते हैं ये भी तो बता दीजिए सुरेंद्र जी, मॉब लिंचिंग वाले राम कौन से होते हैं? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो धार्मिक उन्माद के उद्देश्य से रामचंद्र जी के नाम को मिसयूज किया जाता है, आज वो पीड़ा जो रविन्द्र चौबे जी की जो पीड़ा है, वो उसी को वो उनके नाम का दुरुपयोग करके एक निश्चित ध्रुवीकरण के लिए लाभ लेने के लिए इस प्रकार का माहौल जो फैलाया जा रहा है, निश्चित रूप से पीड़ा मत करिए, भगवान को मत बांटिए, वो कहते ना लम्हों ने खता की सदियों को भुगतना पड़ा, मत करिए ये सब, भगवान बांटने की चीज नहीं है कि तेरे राम ऐसे मेरे राम ऐसे, भगवान बांटने की चीज नहीं है ये। शशांक जी क्या चल रहा है, क्या फैलाया जा रहा है, पीढ़ी को क्या सिखाया जाएगा कि दो बच्चे क्लास में बैठे बोले तेरा राम वाला ऐसा मेरा राम ऐसा, क्या पढ़ाया जाएगा? मैं क्या बोलूं, देखिए मैं निःशब्द हूं, मैं अभी आपके कार्यक्रम शुरू होने से पहले कह ही रहा था कि भैया हम लोग इसमें क्या बोले, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरह की राजनीति हो गई है, किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं,
जहां हम गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं वहां पे गांधी पे कम और नाथूराम गोडसे के ऊपर जब ज्यादा चर्चा हो, और राम के ऊपर में जब बात हो रही है तो राम किसका है। दूसरा जो तुलना उन्होंने की ना, वो तुलना मुझे लगता है नैतिक दृष्टि से उनको इस पे क्षमा मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक बात सही है कि राम के अलग अलग आयाम हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कबीर जो राम शब्द का उल्लेख करते थे वो राम एक मर्यादा की बात करते थे, एक संस्कृति की बात करते थे, एक हमारे देश की जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको राम रिप्रेजेंट करते हैं। देश समाज को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसका आचरण कैसे होना चाहिए, ये राम जब उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कबीर दास जब अपने साखियों में राम शब्द का उल्लेख करते हैं तो कबीर का राम वो नहीं है जो एक मूर्ति बनाकर हाथ में धनुष और बाण लेकर जो खड़े हैं, उनके हाथ में एक आचरण वाले राम है। ऐसे ही जब महात्मा गांधी राम की बात करते हैं तो उनका राम भी एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने वाला शख्स जिसकी जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में उन्होंने काम किया था। तो अगर वो ये कहते हैं कि हम कबीर के राम को मानते हैं, महात्मा गांधी के राम को मानते हैं, वो बात भी समझ में आती है। लेकिन ये कहता है कि रामायण के कुछ हिस्से को ले लें कि भाई हम शबरी के राम को मानते हैं, वो एक कैरेक्टर है, वो उसकी कथा सबको पता है। हम कहते हैं कि केवट निषाद जो है निषाद राज उसके राम को मानते हैं, वो कथा। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम मॉब लिंचिंग और चंदा बटोरने वाले राम को नहीं मानते, तो मैं नहीं मानता कि ना रामचरितमानस में इस तरह का कोई उल्लेख मिलता है, ना वाल्मीकि रामायण में इस तरह का कोई। उनका आशय जिस प्रकार से चंदा लिया गया राम जी के नाम से उनसे था। आशय आशय स्पष्ट करने के कई तरह होते हैं, ये आश्चर्य नहीं स्पष्ट होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ने वाले थे वो अब नहीं जुड़ेंगे। आपको बता दें कि टीवी डिबेट में कांग्रेस के साथ अब नहीं बैठेंगे बीजेपी प्रवक्ता। अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने ये जारी किए निर्देश। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता के अहंकार में कांग्रेसी असत्य कथन और अभद्र आचरण कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है, इसलिए अब वो किसी भी डिबेट में शरीक नहीं होंगे। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नहीं जुड़ेंगे अगले आदेश तक। तो जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे सुरंजीत जी अपनी बात रखिए। सर मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि रामायण में एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है और हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक राक्षस होता है कालनेमी जो हनुमान जी को रोकना चाहता है कि किसी भी प्रकार से वो बूटी लेके ना आ सके जिससे लक्ष्मण जी के प्राण ना बचाए जा सके। तो निश्चित रूप से वो भी राम को मानते थे, कालनेमी के भगवान भी राम थे, लेकिन वो उनकी जो मनसा थी वो जो था वो लक्ष्मण जी के जान लेने का था। हनुमान भी राम भक्त थे, उनसे बड़ा राम भक्त तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उनकी जो मनसा थी वो जान बचाने की थी। अभी जो चल रहा है मैं बिल्कुल उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, जिस प्रकार से रविन्द्र चौबे जी ने जाहिर किया है कि अभी जो दौर चल रहा है निश्चित रूप से यही बातें सामने आ रही है कि किस प्रकार से चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे जात धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण का हो, तो ये कालनेमी के रूप में उस रोल में पूजा करना चाहते हैं, भगवान के नाम पर चंदा ले, मंदिर के नाम पे वसूली करें, और ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। कोई भी जो राम भक्त है, जो भी धर्म प्रेमी है, सुरेंद्र जी अगर आपके इस मंचन पर बीजेपी अगर सवाल खड़े कर रही है तो आपने भी तो गांधी जी पदयात्रा पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो अगर वो कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस का राम के प्रति प्रेम, ये कोई नया नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। हम तो आज भी चाहते हैं, पूरी दुनिया गांधी बात को मानती है, गांधी के आदर्श पूरी दुनिया में स्थापित है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे इसीलिए कांग्रेस पार्टी राम के नाम को नकारती रही है। कपिल सिब्बल जी के बारे में सब जानते हैं। राम के मुद्दे पर कांग्रेस कितना स्पष्टीकरण दे रही है, कितना अब राम राम जप रही है, वो तो सर बच्चा बच्चा जानता है, उसमें स्पष्टीकरण नहीं, वो तो खुले किताब है कि आप कितना मानते हैं और आप कितना मान रहे हो और क्यों मान रहे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि राम की परिभाषा व्यक्त करना, हाँ उनका हो सकता है कि मन में कोई और बात कहना चाह रहे हो, वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो, पर इस चीज से तुलना करना कि मॉब लिंचिंग वाले राम। एक मिनट लेना चाहूंगा खाली, मैं ले लीजिए। जो
जो राम भक्त होने का दावा करते हैं, जो राम राज्य लाने की बात करते हैं, क्या वो रामचंद्र जी जिन्होंने संदेश दिया एक राजा होकर राजपाट छोड़कर जो वनवासी का सन्यासी का जो वेश वरण करके जन कल्याण के लिए संदेश देने के लिए निकले, तो क्या उनकी पर्सनालिटी जो 11 लाख का सूट पहनते हैं वो सूट करता है? क्या जो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वनवास से चले गए, राजनीति है जो कठुआ में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, वो शाहजहांपुर में हुआ, क्या वो राम राज्य का संदेश देता है? पद छोड़ के वनवास पे चले जाए, इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का दुरुपयोग हो रहा है जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छोड़ के चले जाए, पद वनवास चले जाए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब क्या कहने का? नहीं नहीं वनवास नहीं, वो अपने आचरण में भी दिखना चाहिए। हमारा ये हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आचरण में झलकना चाहिए। ये कठुआ और उन्नाव और शाहजहांपुर की जो घटनाएं हैं, जिस प्रकार से अपराधियों के साथ में सरकार खड़ी होती है, अच्छा। तो निश्चित रूप से इसको राम राज्य नहीं कहा जा सकता। तो छत्तीसगढ़ में राम राज्य भी दिखना चाहिए कि राम राज्य छत्तीसगढ़ में राम राज्य आ गया है, उनके यूपी में नहीं आया, छत्तीसगढ़ में आ गया। राम राज्य और गांधी जी के सिद्धांतों पर ही कांग्रेस सरकार पहले दिन से योजनाएं बनाए नहीं लगी है, जो नरवा गरवा घुरवा बारी की जो योजना है, जो ग्रामीण जो अंतिम पंक्ति के लोगों को जो लाभ पहुंचा रही है, सरकार का यही कहना होता है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ या फिर कोई नेता ये नहीं कहता अंतिम व्यक्ति तक, पहले व्यक्ति तक सबका यही होता है, सब यही कहते हैं, सबका राग यही होता है, हर सरकार का राग यही होता है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाएंगे, जनता को खुश रखेंगे। ये तो सब ये तो जो वचन पत्र होते हैं उसमें लिखी हुई बातें होती हैं सर, ये तो अलग चीज है। शशांक जी, जिस तरीके से देखा जाए अभी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है किस प्रकार से 21 लाख फर्जी राशन कार्ड थे उनको निरस्त करके नए सिरे से राशन कार्ड बनाया गया, किस प्रकार से ग्रामीण जिस तरीके से अनुसरण कांग्रेस कर रही है राम का, क्या वाकई इनके अब अंदर राम समाने लगे हैं या राम के गुण दिखने लग गए हैं, या फिर राम की दिशा में चलना चाहते हैं, या फिर सियासी फायदा जो अब तक बीजेपी लेती रही है तो उन्होंने वो फॉर्मूला अपना लिया, भाई राम में कुछ तो है, जो बीजेपी इतना वोट लेके जाती है सिर्फ राम के नाम लेने से कल्याण हो जाता है, तो कुछ तो इसमें फॉर्मूला है, हमें भी अपनाना चाहिए। देखिए, इसके हमको दो तीन आयाम पर बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हम ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो धार्मिक धर्म भीरू नहीं है, या भगवान राम को नहीं मानते, या दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानते। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप में हर राजनीतिक पार्टी का जो नेता है वो अपने अपने धर्मों का बखूबी पालन करता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो आजादी के बाद जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति की तरफ गई है, उसके बाद उनको ऐसा लगने लगा कि धर्म का राजनीति से बिल्कुल कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमको यह मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से धर्म भारत की आत्मा है, अध्यात्म भारतीय समाज की आत्मा है, भारत ऐसा देश यूरोप की तरह नहीं हो सकता कि हम धर्म को छोड़कर हम राजनीति करें। राजनीति में धर्म का उपयोग या दुरुपयोग मैं मानता हूं ये गलत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की यह मान्यता रही कि किसी प्रकार राजनीति में या सरकार में बैठे हुए लोगों को धर्म निरपेक्ष। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1950 के दशक की शुरुआत में ही जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सोमनाथ का मंदिर जो है वो भारत की गुलामी का एक प्रतीक है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी 11वीं शताब्दी में उस मंदिर को तोड़ा था, उसके बाद से लगातार भारत गुलाम रहा है, तो उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और ये भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर उभरना चाहिए, एक धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रतीक। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा था, हालांकि उनकी बात गलत नहीं थी कि भाई हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, तो धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से हमको अपने बलबूते कोई मंदिर बनाना यह शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषय इस तरह से चले और बढ़े हैं, लेकिन धीरे धीरे समय में जो समाज की आवश्यकता थी, समाज के अंदर में जो मांग आई, उसमें जिस प्रकार धर्म अध्यात्म आया और उसमें जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और अध्यात्म जो समाज की आवश्यकता थी उसको लेकर वो आगे बढ़े, मुझे लगता है यही है भारत के अंदर में धर्म निरपेक्षता और सांप्रदायिकता के राजनीति की शुरुआत। अब हुआ ये है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली गई, लगातार दो बार से स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है, तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी जो ए के एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 में आई थी
उस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर अब सतर्क हुई है कि हमें भी अब हिंदू धर्म का विरोधी नहीं है ये बताना पड़ेगा। तो शायद राम की ये राम जी का जो वक्तव्य आ रहा है, कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने भी इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम कहें कि किसी राजनीतिक पार्टी को राम के नाम पर वोट मिल रहा है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक जो समाज है वो खुद अपने किसी एक आराध्य को पालन नहीं करता। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, वो तो आरोपी के पक्ष का ही है। हमारा धर्म राम के नाम पर वोट करते हैं नहीं अरे ये देखिए राजनीति की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो तटस्थ होकर एक बात कह रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भगवान राम को लेके जो ये सब हो रहा है ये इसकी मूल वजह क्या है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सभी राजनीतिक पार्टियों को भी ये समझना होगा कि राम भगवान के नाम पर कोई वोट नहीं देता। वोट तो देता है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में सरकार जो चल रही है, जो राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो आम आदमी के जीवन में, गरीब के जीवन में, मध्यम वर्ग के जीवन में, बेरोजगारों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। मैं ये नहीं कहता बदलाव आए, मैं कहता हूँ कि 10 महीने सरकार को हो गए, तो मुझे लगता है कि सरकार को अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए, मंत्रियों को इस तरह की बात से, ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के खिलाफ है। आप मंत्री रहते हुए जब राम की बात करते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति नहीं है, नहीं। आपको काम में ध्यान देना चाहिए, ये लोकतंत्र है, हम लोग धर्म निरपेक्ष, हमारा संविधान है, और कोई भी सरकार हो, आप देखो प्रधानमंत्री भी आप देखेंगे तो धर्म और इनकी बात नहीं करते, व्यक्तिगत आस्था का विषय अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अपने कामकाज पर ध्यान देना तो लाइव टेलीकास्ट जो कैलाश से हुआ उसका इंटेंशन भी पता है और कारण भी पता है, वो उनका व्यक्तिगत आचरण है, वो व्यक्तिगत में फिर वो टेलीकास्ट वाली बात नहीं होती। कांग्रेस जैसे कांग्रेस पार्टी के राम, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के राम कहना या भाजपा के राम कहना, भारतीय जनता पार्टी तो वही सुरेंद्र जी, आज चूंकि बीजेपी नेता तो है नहीं तो सारे सवाल आपसे शुरू होंगे और आप पे खत्म होंगे, तो आपको तो झेलने पड़ेंगे ये सवाल। लेकिन गांधी जी भी मेरे, राम जी भी मेरे, अब किसकी, अब कौन आपके होने वाले हैं? आजकल महापुरुष और भगवान को कब्जाने की कोशिश में है कांग्रेस। गांधी जी की जहां चर्चा हो रही है तो मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम धर्म को मानते हैं, मैं भी धर्म से हिंदू हूं, तो विष्णु पुराण में ये हमने पढ़ा है कि अगर अंतिम समय में श्री रामचंद्र जी का नाम मुख से निकलता है तो उसको लेने देवदूत आते हैं। अच्छा, और गांधी जी को जब गोडसे ने गोली मारी तो उनके शब्द, अंतिम शब्द जो थे वो हिरामी थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, जब से पिछले 25 साल से हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से केवल राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर के नाम पर चंदा लेकर, मंदिर के नाम पर जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण के उद्देश्य से जिस प्रकार से भगवान राम का के नाम का दुरुपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, चल रही है, दूसरे लोग चल रहे हैं, चलने दीजिए ना, कांग्रेस कब से चल रही है, मुद्दा ये था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये देखिए कांग्रेस जो आयोजन का सवाल है, वो सवाल आयोजन के संबंध में मैं बता दूं, मैं आयोजन की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है सर, आयोजन होते हैं गांव-गांव में, इसलिए बोल रहा हूं बीजेपी के पेट में दर्द क्यों, मैं खुद बोला ये चीज, लेकिन आयोजन से कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति परिभाषा से थी, जो शब्दों को इधर उधर करने का जो खेल हुआ उससे थी। चलिए शशांक जी, एक अंतिम सवाल आपसे, देखिए पहले भी कहा हूँ प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं, दूसरा आप कुछ कहना चाह रहे थे, और समय बहुत कम है, कुछ ही पंक्तियों में समाप्त कीजिएगा जी। मैं अभी महात्मा गांधी के जो संपूर्ण उनका वांग्मय है 100 खंडों का, उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि 150वीं जयंती के समय अंतिम दिन महात्मा गांधी क्या कर रहे थे। तो मुझे याद पड़ता है कि अगस्त 1947 में एक किसी समूह ने उनके साथ चर्चा की, तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि भारत की राजनीति, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस की राजनीति मुख्य रूप से चल रही थी और दंगे चल रहे थे पूरे देश में, तो वो खुद ही एक जगह लिखते हैं कि मैं सपना देखता था कि भारत में राम राज्य आएगा, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति भारत में शुरू हुई है और जिस प्रकार के राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर में एक जो स्खलन आया है नैतिक और चारित्रिक, तो वो जीते जी मुझे लगने लगा है कि शायद भारत में राम राज्य कभी, वो आरएसएस की गतिविधियों को लेकर चिंतित थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी और शशांक जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से
ही राम मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से चल रहा है, कभी गांधी तो कभी अब राम पर परिभाषाएं दी जा रही हैं, तो उससे अब सियासत वहां की गर्मा गई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं, जहां राम की परिभाषा इस तरीके से दी गई है कि जो शिबरी के राम थे वो मेरे राम थे और जो मॉबलिंसी के राम है वो बीजेपी के राम, इस तरीके से विवाद के बाद अभी स्थिति खड़ी होगी, दोनों ही जो पार्टियां वो आमने सामने आ गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो रायपुर से